हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र पटेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलसीएस। जैसे मैंने डे ऑफ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल एज वेल एज द प्रैक्टिस की वीडियो डाले, अगर आगे कुछ जो बेनिफिट्स है, कुछ फिक्स करते हैं हम कुछ एप्लीकेशन में, उसके वीडियो डाले हैं, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज राइट डे ऑफ टूल्स एंड चैलेंजेस विद डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सीखनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए इफ यू हैव ट्राई टू वर्क विद द डे ऑफ। सो बेसिकली हम बात करेंगे पहले कि हम कैसे किस बेस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई डे ऑप्स टूल को। सो देर आर सेवन स्टेप विच आर हेल्प टू सिलेक्ट राइट टूल्स। सो पहली चीज है अंडरस्टैंड द कोलैबोरेशन एंड सेट टूल्स स्ट्रेटजी फॉर डे ऑप्स क्यूए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन टीम। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी सेट टूल्स एंड स्ट्रेटजी है फॉर द डे एंड क्यूए मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटेड टीम। सो ये आपको पता होनी चाहिए कि विच टूल आर हेल्प फॉर डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल और एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन विच वी आर ट्राइंग टू डेवलप इन विच लैंग्वेजेस एज वेल। सो ये इंपॉर्टेंट है। देन यूज टूल टू कैप्चर एवरी रिक्वेस्ट, मीन्स जो टूल्स है तो वो कैप्चर कर रहे हैं रिक्वेस्ट को, मीन्स वो हमारी डेटा ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट को कैप्चर नहीं कर रहे, बट वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग विद द कस्टमर एंड समटाइम्स वी गिव सजेशन टू कस्टमर एज वेल एज दी वी रिसीव्ड सम रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। सो वी हैव टू नोट इट डाउन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर टूल फॉर दैट। देन यूज द अजाइल कैनबैन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मीन्स एक ये टूल है फॉर द जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं डेवऑप्स में, सो उसको मैनेज करता है फॉर ऑटोमेशन एंड डेवऑप रिक्वेस्ट दैट कैन बी डील्ट विद इन द टूलिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जीरा है एज वेल एज मेंटेस्टडीबी है, एमएस टूल है, एमएस प्रोजेक्ट है, तो ये सारे जो टूल्स है वो हमें हेल्प करते हैं कोई प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। देन हम बात करेंगे यूज टूल टू लॉग मैट्रिक्स ऑन बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस, मीन्स जब भी हमें कोई लॉग मेंटेन करना है कि हमने आज ये काम किया है, अगर हम कोई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर या प्रोसेस के यूज कर रहे हैं, सो हमें ये पूरा इम्प्लीमेंट जो टूल है उसमें सारा नोट डाउन होना चाहिए लॉग जो फ्रॉम फर्स्ट डेट टू एंड डेट। देन इम्प्लीमेंट टेस्ट ऑटोमेशन एंड टेस्ट डेटा प्रोसेसिंग टूलिंग, मीन्स जो भी टेस्ट है ऑटोमेशन का हमें डिफाइन करना चाहिए कि हमें कौन कौन से टेस्ट करने हैं और उसका जो भी प्रोविजन भी होना चाहिए कि उसमें कोई भी डेटा है वो लीकेज है कि नहीं, वो सारी चीज। देन परफॉर्म एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर ईच डिप्लॉयमेंट टूलिंग, मीन्स जैसे हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करते हैं कि मीन्स कुछ कुछ पार्ट हमारा बनता जा रहे हैं और हम डिप्लॉयमेंट करते जा रहे हैं, तो हमें पूरा जो टेस्ट कैसे एक्सेप्टेंट टेस्ट है वो हमें नोट डाउन करना चाहिए कि उसमें कुछ गलती है कि नहीं, मीन्स उसको परफॉर्म करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा। देन लास्ट वन इज एंश्योर कंटिन्यूअस फीडबैक बिटवीन द टीम्स टू स्पॉट गैप्स एंड इश्यू एंड इन्फेक्शन। सो उसमें क्या है कि हमें कंटिन्यूअसली फीडबैक लेना चाहिए कि जब भी हम कुछ इम्प्लीमेंट करके रिलीज करते हैं और डिप्लॉयमेंट करते हैं, सो उसमें कुछ एरर है या कुछ इश्यू है, सो हमें कंटिन्यूसली उसकी मॉनिटरिंग एज वेल एज द फीडबैक लेते हैं। सो वी विल नो अबाउट द व्हाट आर द इश्यू राइज आफ्टर द डिप्लॉयमेंट और आफ्टर द एक्सेप्शन टेस्टिंग। देन अब बात करेंगे चैलेंजेस विद द डेवऑप्स इम्प्लीमेंटेशन। सो जब भी हम डेवऑप्स के साथ काम करना शुरू करते हैं तो बेसिकली जो चैलेंजेस है वो है कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर डेवऑप्स, मीन्स कहीं जो भी अभी एग्जिस्टिंग में जो एजाइल मेथोडोलॉजी पे काम नहीं कर रहे, मीन्स डेवऑप्स पे काम नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है एग्जैक्टली डेवऑप्स है क्या। जैसे मैंने बताया कि डेवलपर प्लस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पर्सन है डिप्लॉयमेंट काम करते हैं उसको बना के हम काम वर्ड आया है डेवऑप्स। देन डर्थ ऑफ द विजन, मीन्स लैक ऑफ द विजन कि आप कुछ काम कर रहे हो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या बनाना है डेवऑप्स में, राइट। देन शॉर्टेज ऑफ टूल नॉलेज, क्योंकि जो अब हम डेवऑप्स यूज कर रहे हैं सो वी हैव टू सिलेक्ट दी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टूल फॉर दी पर्टिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज डिजाइन एंड टेस्टिंग। सो चॉइस ऑफ टूल, सो एक बहुत बड़ी चैलेंज है ये कि कौन सा टूल हम सिलेक्ट करें फॉर पर्टिकुलर टास्क। देन लैक ऑफ टूल्स इंटीग्रेशन, अगर आपने कोई टूल लिया है लेकिन आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं पता है तो वो प्रॉब्लम है। देन कल्चरल चैलेंजेस, सपोज आपने कुछ टीम में काम किया है जो भी रिसेंट और पास्ट में और आपको कोई सोलो वर्क करना है, मीन्स आपको अकेले डेवलप करना है, सो तभी प्रॉब्लम होता है। देन आइसोलेटेड टीम्स, मीन्स आइसोलेटेड टीम्स का मतलब क्या है कि आपकी टीम 10 लोगों की है लेकिन कोई एक दूसरे को कुछ शेयर नहीं कर रहा है, कोई दो तीन बंदे ऐसे है को अपने आप से काम कर ही रहे हैं लेकिन कोई अपडेट नहीं दे रहे,
सो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है. देन रिस्क एनालिसिस, देर आर द मेनी रिस्क फैक्टर वेन एवर वी आर स्टार्टिंग टू डेवलप एनी काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट काइंड ऑफ द रिस्क सो वी कैन इजिली मिनिमाइज इट एंड वी विल गिव 100% आउटपुट और करेक्ट सॉफ्टवेयर एज वेल एज द प्रोजेक्ट. सो इस वीडियो में हमने बताया जो चैलेंजेस है और हाउ टू सिलेक्ट द राइट टूल्स फॉर डे ऑप्स. राइट, सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.